क्या आप जानते हैं कि E4 एलिफेंट्स पानी में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक तैर सकते हैं और ये बिल्कुल प्राकृतिक होता है। इसके लिए इन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि इतना वजन होने के बाद भी ये इतनी आसानी से कैसे तैर लेते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा नियम है कि कोई भी वस्तु पानी में उस वक्त तैरती है जब वह अपने वजन से ज्यादा पानी हटा सके। अगर वह नहीं हटा पा रही तो वह डूब जाएगी और अगर हटा दिया तो वह तैर जाएगी। उदाहरण के लिए आप लकड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि लकड़ी जब पानी में गिरती है तो वह अपने वजन से ज्यादा पानी हटा देती है जिसके कारण वह तैर सकती है। और इसी छोटे से फॉर्मूले का यूज करके बड़े बड़े शिप्स भी पानी में तैरते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाथी केवल तैर सकते हैं, ये पानी में घंटों घंटों तक तैर सकते हैं। और अगर पानी में ये थक जाए तैरते हुए तो ये पानी में एक ही जगह पर कई घंटों तक भी रुक सकते हैं। अब इतना सब सुनकर आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि क्या ये पानी के अंदर भी तैर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पानी के अंदर भी तैर सकते हैं। सांस लेने के लिए ये अपनी सूंड को पानी से बाहर निकालकर सांस लेते हैं और फिर पानी के अंदर तैरना शुरू कर देते हैं। हाथी के बारे में ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।